हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल यूजफुल प्रोडक्ट्स। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोजी केयर स्किन वाइटनिंग क्रीम के बारे में। दोस्तों ये क्रीम एक ऐसी क्रीम है जो कि ये दोस्तों दावा करती है कि आपके चेहरे को गोरा बनाएगी। तो दोस्तों बहुत से लोग कमेंट करके भी पूछ रहे थे कि क्या ये सही क्रीम है या नहीं। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। और दोस्तों आपको मैं एक बात बता दूं कि यार अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स वगैरह होते हैं वही डिसाइड करते हैं कि प्रोडक्ट कैसा होगा। तो इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसके अंदर डाला है सबसे पहले कोजिक एसिड। कोजिक एसिड दोस्तों क्या होता है कि कोजिक एसिड आपके चेहरे के जो मेलानिन के प्रोडक्शन है उसको कम कर देता है। अब दोस्तों मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि मेलानिन का झमेला क्या है। तो दोस्तों मेलानिन ये है कि आपकी स्किन का अगर कॉम्प्लेक्शन कलर यानी कि आपकी स्किन का टोन डार्क है तो आपकी स्किन में मेलानिन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। और आपकी स्किन अगर मान लो लाइट है, गोरी है आपकी स्किन पहले से, तो आपकी स्किन में मेलानिन कम प्रोड्यूस होता है। यानी कि दोस्तों आप इससे रिलेट कर सकते हो कि अगर आपकी स्किन गोरी है तो आपके चेहरे पर मेलानिन का प्रोडक्शन कम होगा। तो ये क्या करता है कि अगर आपकी स्किन ड्राई है तो उसको दोस्तों मेलानिन के प्रोडक्शन को कम कर देता है, जिससे कि आपकी स्किन वाइट होने लग जाती है यानी कि गोरी होने लग जाती है। साथ में डाला है ग्लूटाथियोन। तो दोस्तों आपको पता है कि ग्लूटाथियोन पहले से ही जो स्किन वाइटनिंग एजेंट होता है वो दोस्तों हमारे चेहरे को गोरा बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, और वो भी इसी तरह के मेलानिन के प्रोडक्शन पर वर्क करता है। साथ में इसमें डला है अर्ब्यूटिन और कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स भी डले हैं जो कि ग्लोइंग स्किन को बनाने के लिए फोकस करते हैं, यानी कि ग्लोइंग स्किन में हेल्पफुल है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जो ये क्रीम है ओवरऑल आप इसका लंबे समय तक यूज़ कर सकते हो। यानी कि दोस्तों आपको मैं बता दूं कि अगर आप इस क्रीम का यूज़ कर भी रहे हो तो आप इसको लगभग 2 से 3 महीने तक रेगुलरली यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर किसी प्रकार के स्टेरॉयड वगैरह बिल्कुल भी नहीं डले, तो आप इसका लंबे समय तक यूज़ कर सकते हो। बात करें इसकी प्राइस वगैरह और उसकी क्वांटिटी की, तो दोस्तों इसकी क्वांटिटी है लगभग 15 से 20 ग्राम के समथिंग ये ट्यूब आती है, और इसकी प्राइस लगभग 250 रुपये के समथिंग आपको कॉस्मेटिक स्टोर पे तो शायद मुश्किल मिलेगी, ये आपको मेडिकल स्टोर पर भी मुश्किल मिलेगी, क्योंकि दोस्तों ये बहुत सारी जगह पर अवेलेबल पे है और बहुत सारी जगह पर अवेलेबल भी नहीं है। तो आपको ये शायद अगर आपको ख़रीदनी है तो आपको ये ई कॉमर्स वेबसाइट पर तो 100% मिल जाएगी। अगर दोस्तों जहाँ पर भी अवेलेबल होगी मैं वहाँ का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। अब बात करते हैं कि क्या ये आपके फेस के लिए सेफ है या नहीं। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ये क्रीम कम्प्लीटली आपके फेस के लिए सेफ है, किसी भी प्रकार के साइड इफेक्ट की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। लेकिन दोस्तों आपको मैं बता दूं कि यार ये क्रीम आपके चेहरे पर लंबे समय तक यूज करने पर वर्क करेगी, यानी कि आपको 1 महीने तक भी रिजल्ट मुश्किल से मिल पाएगा। यानी कि ये क्रीम आपके चेहरे को 1 महीने के अंदर तो हल्का खासा रिजल्ट दे देगी, लेकिन आप इसका 2-3 महीने तक यूज़ करेंगे तब जाके आप इसको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को इसका मिल जाएगा। और दोस्तों इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो साइड इफेक्ट तो इसके किसी भी प्रकार के हैं नहीं, आप इसका यूज़ कर सकते हो, इसका सभी प्रकार के लोग यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल स्किन वाले, ड्राई स्किन वाले, ऑयली स्किन वाले भी। और दोस्तों आपको मैं बता दूँ कि ये क्रीम जब आप दोस्तों आपके चेहरे पर एक्ने पिंपल्स हो रहे हैं, एक्ने पिंपल्स वाले भाई लोग इसका बिल्कुल भी यूज़ मत करना, आपको एक्ने पिंपल्स में बिल्कुल भी राहत नहीं मिलेगी और हो सकता है आपके एक्ने पिंपल्स और ज़्यादा होने लग जाएं। और बात करें इसके यूज़ करने के तरीके के बारे में, तो आप इसका नाइट में यूज़ कर सकते हो, आप इसका दिन में भी यूज़ कर सकते हो। और दोस्तों इससे आपको कौन कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे वो मैं आपको बता दूँ कि ये हाइपर पिगमेंटेशन ठीक करती है, स्किन को ग्लोइंगफुल बनाती है, आप इसको लगाकर धूप में भी जा सकते हो, ये क्रीम ऐसा दावा करती है। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इसको लगाकर धूप में मत जाइएगा, अगर आप दिन में लगा रहे हैं तो घर पे ही रहिएगा। और ग्लोइंग स्किन बनाती है, स्किन को फेयर बनाती है, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं जैसे कि पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम को ठीक करना। तो ये क्रीम टोटली आपके फेस के लिए सेफ है। लेकिन अगर आप दोस्तों सोच रहे हो कि आपको बहुत जल्दी रिजल्ट देगी, तो बहुत जल्दी रिजल्ट तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, आपको इसका लंबे समय तक यूज़ करेंगे तो अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा और किसी प्रकार के साइड इफेक्ट आपको इससे नहीं होंगे। तो आप इसका यूज़ करना चाहते हो तो इसका यूज़ कर सकते हो। तो आई होप जानकारी पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए नीचे का रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।